तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह बोगीलाल, क्या दिमाग लगाया है तुमने। बहुत शातिर हो भाई तुम, बहुत शातिर, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं है। वो तुम शेर हो तो हम सवा शेर हैं। अरे तुम्हारे पास सबूत है तो हमारे पास भी सबूत है। हमने ऊपर कैमरा लगा के सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। पका भैलू, रिकॉर्डिंग तैयार है ना? तो झलक दिखला दो। चल चल चल, अरे जल्दी कर। चाचा जी ये है भोगीलाल जी, भोगीलाल जी ये है चाचा जी। देख लिया, नाम तो चंपक चाचा का ही है। आपके पास पैसे तो रेडी है ना? हाँ। अब तो सिग्नेचर भी हो गए, पेपर तैयार है, अब तो पैसे ट्रांसफर करा दीजिए। Congratulations and celebrations, भोगीलाल जी ने सेठ जी का पेमेंट कर दिया। हाँ भोगीलाल, ये मेरा घर है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे जमीन के पेपर मेरे पास। ले लो, ले लो यार। पीछे अब बोलो, पुलिस किसे ले जाएगी और कौन जाएगा जेल? हाँ, पुलिस को ये वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाकर हम कहेंगे कि हमने अपने बचाव के लिए तुम्हें बांध कर रखा है, और हमें डराने धमकाने के इल्जाम में हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। समझे वकील साहब? और ये रिकॉर्डिंग से एक मेन बात ये भी साबित हो जाएगी भोगीलाल, कि तुम्हारे पास 50 लाख होने के बावजूद तुमने जानबूझ के मुझे मेरा पेमेंट नहीं दिया, मेरे साथ चीटिंग की। हाँ। अरे बाप रे, फंस गया। अब क्या करोगे भोगीलाल? पैसे दोगे कि नहीं? अरे बोलो, बोलो। देखो तुम लोग मुझसे दुश्मनी करके ठीक नहीं कर रहे हो। ये दुश्मनी वाली, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तूने तो अपने पिताजी और पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। अरे तेरे पिताजी हराम का एक पैसा नहीं लेते थे, और तू देख, चल अभी चुपचाप हमारे पैसे दे दे, उसी में तेरी भलाई है। देखिए भोगीलाल अंकल, आप सीधे सीधे पापा के पैसे वापस कीजिए, वरना मैं अभी के अभी आपका ये वीडियो वायरल करता हूँ। कर दे टप्पू, वीडियो वायरल कर दे। क्या इसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खुल जाएगी ना, तो कानून खुद ब खुद मेरे पैसे इसे दिलवा देंगे। और साथ में पूरे बचाव में इसकी थूथू हो जाएगी। कपड़ा वीडियो वायरल कर दे। अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, क्या बोल रहा है? एक मिनट, मेहता साहब बोल ही रहा है, एक मिनट। दिखा रहा हूँ, मुझे खोल दो, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर करता हूँ। सच्ची? या फिर ये आपका कोई नया झूठ है? मेरे पिताजी की कसम। पा मानुस है, स्वर्गवासी पिताजी की कसम खा रहा है। वो यारो, ये झूठा है झूठा, इसने तो अपने बेटे की भी झूठी कसम खाई थी। निर्लज्ज। वो मेरा बेटा थोड़ी था, वो तो मैंने कसम खाने के लिए किसी की भी फोटो रखी हुई है। हाँ तो भाई, वो तुम्हारे ऑफिस में जो पिताजी की फोटो टंगी हुई है वो तुम्हारे असली पिताजी है कि झूठी कसम खाने के लिए किसी की भी फोटो लगाई है वहाँ पे? नहीं 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 नहीं, वो मेरे पिताजी मणिलाल जी की फोटो है। जेठालाल, जेठालाल मुझे खोल दो, प्लीज मुझे खोल दो, मैं अपने धंधे की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, खोलता हूँ। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? हाँ,
ये कोट की जेब में इधर। हाथ तो खुले ही है, है? तो मोबाइल ऑन करके पैसा ट्रांसफर कर दो। वेरी गुड। अच्छे। चिट्ठालाल, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। चेक कर लो। क्या चेक कर लो? मैसेज का टूट टूट वो आवाज तो आया नहीं। एक मिनट, कोई मैसेज आया है। 50 लाख आ गए। गोकुलधामच्या युनिटीचा। भोगीलाल, अब लगे हाथ मेरे भी 2 लाख ट्रांसफर कर दो। नहीं 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 सीता जी, ये तो मेरे पिछले सौदे की दलाली के लेने, वो ले रहा हूँ। इस सौदे में मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ। सुंदर भाई, 2,10,000। नहीं नहीं, मेरे तो सिर्फ 2 लाख ही है। नहीं नहीं नहीं, 10,000 रुपए सेठ जी ने भोगीलाल को उसकी ऑफिस में कैश दिए थे, वो भी। स्मार्ट। हाँ, तो 2,10,000 कर दो। हाँ, 2 लाख सुंदर भाई के अकाउंट में और 10,000 रुपए सेठ जी के अकाउंट में। नहीं नहीं बका, 2,10,000 पूरा सुंदर के खाते में ही जाने दे। वो टैक्सी करके अहमदाबाद से आया है ना। रहने दो राजीजा जी। अरे नहीं नहीं, क्या राखने मजा करने। आधा रख के क्या करूंगा? नहीं, क्या है कि अभी पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया है ना, तो अहमदाबाद मुंबई आने जाने का 20,000 रुपया होता है। बात नहीं, जाने दो ना। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। क्या भाई, ए भोगीलाल, ये सुंदर के खाते में 2,20,000 ट्रांसफर कर देना। हां तो फिर एक काम करो, 2,21,000 करो। क्यों 2,21,000 क्यों? ये शगुन का आंकड़ा है ना, 21, इसलिए। नहीं नहीं, आंकड़ा नहीं रे, कपड़ा। वो क्या है, भोगीलाल के ऑफिस में मैं सेक्रेटरी बन के गया था ना एनआरआई का, तो जेठालाल ने मुझे बोला था कि कोई अच्छे कपड़े पहन के जाना, कुर्ता पहन के मत जाना। तो मैंने वो भाड़े से सूट मंगाया था, उसका 1,000 रुपया। हाँ तो वो 1,000 रुपया मैं तुझे दे दूंगा। अरे पर लेकिन वो ट्रांसफर कर रहे ना, तो हो जाएगा। अरे भाई, वो 2,21,000 पूरा सुंदर के खाते में जाएगा ना, फिर अहमदाबाद से वापस 1,000 रुपया। हाँ नहीं ठीक है ठीक है, फिर 2,20 बराबर है। क्या आप लोग भी ऐसा कोई करता है क्या? प्लीज अब तो मुझे जाने दो। सुंदर भाई, वो जूतों का हार। अरे नहीं नहीं पक्का, हमें कोई जूतों का हार नहीं पहनाना है। हमारे पैसे मिल गए ना, बस हमें इसके जैसा नहीं होना है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा चाचा जी। आखिर ये आया तो हमारे गोकुलधाम में है ना, और गोकुलधाम की हमारी परंपरा है कि हमारे यहाँ आए हुए किसी भी व्यक्ति को हम बेइज्जत नहीं करते, उसका अपमान नहीं करते, चाहे वो व्यक्ति कैसा ही हो। और भोगीलाल, अब सुधर जा भाई, सुधर जा, इस वाक्य से कुछ सीख ले और सुधर जा। अरे तेरे पिताजी कितने नेक इंसान थे, तू भी उनके जैसा बनने की कोशिश कर अब। और हाँ, जिन जिन के पैसे खाए हैं ना, उन सब के पैसे लौटा देना। Yes. No. और अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हारा वीडियो है हमारे पास। और मैं एक पत्रकार हूँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का नाम तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, उसके डिजिटल एडिशन का मैं हेड हूँ।
तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं सुधर जाऊंगा और सब लोगों के पैसे भी लौटा दूंगा। अब प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। ओए ऐसे कैसे जाने देंगे तुझे, वो तेरी पिटाई तो हम धूमधाम से करेंगे। क्यों यारो? आज गोकुलधाम वाले बहुत नाच रहे हैं, लेकिन आज मेरे हाथ से बचेंगे नहीं। गाड़ी घुमा के रखो। ये क्या नाच गाना चल रहा है? अरे पुलिस मतलब ये तो चालू जी पांडे जी है। इसमें वाह क्या पांडे जी, जेठा प्रागा कहने का ये मतलब है कि खुशी का माहौल है। ओ जी ऐसी भी भांगड़ा संगड़ा पा रहे, तुसी भी नचो गाओ। आई कांट डांस। कोई बात नहीं, जैसा भी आपको आता वाड़ा तेरा चलेगा, इधर किसको आता है। अरे आई एम नॉट गुड, हाउ कैन आई डांस ऐसे? और तुम लोग भी नहीं नाच सकते। क्यों क्यों? अरे तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट हुई है और तुम लोग डांस कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो। देखिए चालू जी पांडे जी। चुप चुप जेठालाल, कंप्लेंट में सबसे पहले तुम्हारा नाम है। तुमने भोगीलाल और उसके आदमी पर हमला किया है और तुम सब ने जेठालाल का साथ दिया है, इसलिए सब के सब अपराधी हो। देखिए देखिए पांडे साहब, ऐसी बात नहीं है। अरे रहने दो, मुझे पता है कैसी बात है। हर गुनहगार यही कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया है। तुम लोग हर बार मुझे बुलाकर केस अपने आप ही सॉल्व कर लेते हो ना, लेकिन इस बार ऊपर वाले का करिश्मा देखो, केस तुम लोगों के खिलाफ ही है, इसलिए ये केस मैं ही सॉल्व करूंगा। थैंक यू गॉड, I really appreciate it. ऐसी ही दया बनाए रखना। पांचाल, जरा भोगीलाल को फोन लगाओ और पूछो कहाँ है वो। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही भोगीलाल हूँ। क्या? हाँ? भोगीलाल की आप यहीं और बोलते भी नहीं हो यहाँ हो? अरे वो क्या बोलेगा, वो जानता है ना खामोश रहने में उसकी भलाई है। हाँ? Hey, master! पुलिस के सामने फरियादी को ना बोलने की धमकी देते हो। अरे अरे नहीं 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 पांडे साहब, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े के कहने का मतलब ये था कि भोगीलाल बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर वो मुंह खोलेगा तो वही फंसेगा, इसीलिए खामोश रहने में भलाई है। किस बात के लिए फंसेगा? वो तो आप भोगीलाल से ही पूछे। अरे यार क्या लगा रखा है, जो बात मैं भोगीलाल जी से पूछता हूँ उसका जवाब तुम लोग देते हो। नहीं वो क्या है ना सर, एक्चुअली अब मैं जिससे पूछूं वही जवाब देगा। Is that clear? आई आई सर। ये अकेला ही बोलेगा कि सब लोग भी बोलेंगे? हाँ तो भोगीलाल जी, गोकुलधाम वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने वाले आप ही हो ना जी? घबराइए नहीं, बताइए इन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है। आप बोलना बोलना। मैंने अभी अभी बोला ना कि जिससे मैं पूछूं वही जवाब देगा। किससे पूछा मैंने? भुगीलाल जी से ना। बोलो भुगीलाल जी, आपके साथ इन लोगों ने क्या किया है? हाँ बोलिए भुगीलाल जी बोलिए। मेरे रहते हुए ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बोलिए। वो कुछ नहीं हुआ।
अरे यार फोन पर तो ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे कि इंस्पेक्टर साहब जल्दी आ जाइए, गोकुल धाम वालों ने हम पर हमला किया हुआ है, हमारी जान को खतरा है, और अभी बोलते कुछ नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब जाने दीजिए ना, मामला अब निपट गया है। निपट गया? अरे ऐसे कैसे निपट गया? देखो सच सच बोलो भोगीलाल जी, ये तो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे तो पड़ेगे ठंडे। बोलो बोलो भोगीलाल जी, प्लीज बोलो यार। ए जनरल तुम बोलो। मैं क्या बोलूं? अरे मैंने भोगीलाल जी से पूछा कि तुमने फोन क्यों किया, तो ये कह रहे हैं कि निपट गया। मैं पूछ रहा हूं कि क्या निपट गया, बोलो। पर अभी थोड़ी देर पहले आपने ही बोला ना कि मैं जिसको पूछूं वही जवाब देगा, तो ये सवाल तो आपने भोगीलाल को पूछा था, उसका जवाब मैं दूं? अरे तो मैं अब तुमसे पूछ रहा हूं जेठालाल कि क्या निपट गया, बोलो। अच्छा ओके। भोगीलाल बता दूं? क्या पूछ रहा है? रेस्टिम? मैं बता रहा हूँ। दरअसल चालू जी, पांडे जी क्या हुआ? 50 लाख का पेमेंट बाकी है पापा। इस महामारी ने मुझे बर्बाद कर दिया है। सर आपको कितने कमरे बुक करवाने? पूरा होटल बुक कराना है। पैसों के साथ अंदर भेज दो। आइए आइए बग्गा साहब, जहाज किनारे लग गया है, माल निकालने आ जाओ। जेठालाल मेरा यकीन करो, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अरे जेठिया मेरे पास सोने का टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा। सोने का टुकड़ा मतलब हमारी बचाव की जमीन। तू वो जमीन बेच दे है? और अपना उधार चुका दे। मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। तेरे पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ भोगीलाल है। भोगीलाल को पता है तू कहाँ रहता है? नहीं नहीं बाबूजी, तो क्यों ना हम भोगीलाल को जमीन का सौदा करने के बहाने हमारे घर पर बुलाए। पहले और वीडियो दिखा चालू जी पांडे जी को। देखो गोकुल धाम में पहले कभी दिखा नहीं, नया रहने को है। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। करता क्या? मैं सुंदर भाई का दोस्त हूँ, वो जो बोलते हैं वो मैं करता हूँ। ये चालू करते थे। ए भोगी ये सब क्या है? इंस्पेक्टर साहब खुद लोगों को गन दिखाकर डराता है और पुलिस को झूठी कंप्लेन करता है कि देखो देखो मुझ पर हमला हुआ है। वो गन नकली थी ना? अच्छा पकड़े जाने पर गन नकली हो गई? नहीं नहीं सच में नकली थी। गन नकली है या असली वो पुलिस चेक करेगी। गन तो जेठालाल के घर पे है। पांडे जी गन मेरे पास है। डॉक्टर साहब आपके पास गन? हाँ दरअसल क्या हुआ कि सब लोग भोगीलाल को पकड़ने के लिए भागे और मैं पीछे रह गया, तो मैंने तब वहां देखा कि गन पड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि आते जाते किसी को लग गई तो इसलिए मैंने गन उठा ली। ओहो शार्प माइंड। अरे पर डॉक्टर हाथी आप तो सबसे आखिर में थे, और किसके पाँव में लगती आपके बाद? नहीं क्यों, बाद में जेठा भाई चाचा जी टप्पू घर जाते तो उनको लग सकती थी ना। डॉक्टर साहब कैन हैव द गन प्लीज? हाँ। भोगीलाल यू आर राइट, ये गन नकली है, लेकिन इन लोगों को डराने से पहले इन्फॉर्म किया था ये गन नकली है।
नहीं ना? तो इस नकली गन से असली डर पैदा करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। दोस्तों झूठी रोशनी से मोम कभी पिघलता नहीं और झूठ का जहाज सच के समंदर में चलता है। झूठ बेवजह की दलील होता है, सच स्वयं अपना वकील होता है। अब देखिए ना, यहाँ सच सामने आ गया, सच ने अपना वकील बनकर खुद गवाही दे दी। 100 झूठी चालें चली भोगीलाल ने, लेकिन हमारी एक सच्ची चाल के आगे मात खा गया। आखिर सच सामने आ गया। वो कहते हैं ना, सांच को आंच, सच छुपता नहीं, अंततः सामने आ ही जाता है। और भोगीलाल का सच सामने आ चुका है। वो झूठ है, कपटी है, उसका कपट अब कोई काम नहीं करेगा। और इंस्पेक्टर चालू पांडे अब जान गए कि सच्चाई क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या सजा देते हैं भोगीलाल को, जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और जानने के लिए कहीं जाइएगा मत, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.